नमस्कार, मैं शैलेंद्र शुक्ला, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खीतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, ई लेक्चर की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज इस ई लेक्चर में हम सब्जेक्ट कोड CS202, सब्जेक्ट नेम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए उनके सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वर्ष से बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान ने कुल 70 नंबर के प्रश्न पत्र में से 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाना निश्चित किया है। अर्थात किसी भी सब्जेक्ट में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जानकारी भी होना आवश्यक है। तो चलिए अब हम चलते हैं सब्जेक्ट कोड CS202 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ कि हम उन्हें कैसे सॉल्व करें। तो चलिए अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज। तो यहाँ पर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का उदाहरण होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है ए, दैट इज SISD। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड्स आर लुक्ड एट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड रजिस्टर के अंदर ही होते हैं और रजिस्टर होते हैं CPU के अंदर, तो इसलिए हम कह सकते हैं इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड्स आर लुक्ड एट इन CPU। तो इसका सही आंसर है सी, इन CPU। क्वेश्चन नंबर थर्ड द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड एड्रेसिंग इज। तो यहाँ पर स्टैक एड्रेसिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड एड्रेसिंग। तो इसका सही आंसर है ए, स्टैक एड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है नॉर्मली डिजिटल कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नैंड गेट और नॉर गेट दोनों ऐसे गेट हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी दूसरे गेट का निर्माण कर सकते हैं और ये नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन दीज यूनिवर्सल गेट नैंड एंड नॉर गेट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बी, नैंड एंड नॉर गेट। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ALU यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर परफॉर्म्स। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये सारे के सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के काम आती है, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर है डी, ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ ए CPU हैज 16 बिट प्रोग्राम काउंटर, दिस मीन्स दैट द CPU कैन एड्रेस। तो अगर प्रोग्राम काउंटर चूंकि यहाँ पर 16 बिट का है, इसलिए CPU जो मेमोरी लोकेशन एड्रेस करेगा दैट विल बी 2 की पावर 16। और 2 की पावर 16 को अगर अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10, यानी कि वो इक्वल टू हो जाएगी 64K मेमोरी लोकेशंस के। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका सही आंसर है सी, दैट इज 64K मेमोरी लोकेशंस। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 7th। CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU में क्या क्या होता है। तो CPU कंसिस्ट ऑफ ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर भी CPU के अंदर ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर है ALU, CU एंड रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8th कैश मेमोरी रिजाइड्स इन बिटवीन। कैश मेमोरी किसी भी कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने का कार्य करती है और इसकी मेमोरी स्पीड रैम की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए हम इसे CPU और रैम के बीच में लगाते हैं। तो इसका सही आंसर है कैश मेमोरी रिजाइड्स इन बिटवीन CPU एंड रैम, दैट इज ए, आंसर इज राइट। द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 bit ऑफ डेटा इज नोन एज। ऐसा सर्किट जो कि 1 bit के डेटा को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है उसको हम फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर है सी, फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन नंबर 10th कहता है इन कंप्यूटर सबट्रैक्शन जनरली कैरिड आउट बाय। तो जैसा कि हम सब जानते हैं
कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन सेकंड कॉम्प्लीमेंट की सहायता से किया जाता है, तो इसका सही आंसर होता है डी। क्वेश्चन नंबर 11th, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर। तो हम सब जानते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर को स्टोर करने के काम आता है, तो इसका सही आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर 12th, द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच ए पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी एंड ऑब्टेन इट्स कंटेंट इज कॉल्ड। तो आप सब जानते हैं इसका सही आंसर होगा डेटा एक्सेस टाइम या एक्सेस टाइम, तो यहां पर इसका सही आंसर होता है सी, दैट इज एक्सेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 13th के हमसे कहता है द एड्रेस मोड यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एड एक्स कोमा एस आई। तो ये किस टाइप का एड्रेसिंग मोड है, तो ये है आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, तो इसका सही आंसर होता है सी। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, द आइडिया ऑफ कैश मेमोरी इज बेस्ड ऑन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल पर कार्य करती है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ए, ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 15th कहता है कि इन मेमोरी मैप्ड आईओ सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर। मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम में कौन सा ऑपरेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर सीएमपी कंपेयर ऑपरेशन होता है, एडिशन ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता है, एलडीए ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर है ए, दैट इज एलडीए। क्वेश्चन नंबर 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। यहाँ पर ए माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, सो इट्स राइट आंसर इज डी मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो ए स्कैनर इनपुट डिवाइस होती है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होती है, सीडी इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों में से नहीं मानी जाती है, मेमोरी डिवाइस मानी जाती है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है, इसलिए यहां पर इसका सही आंसर है ए स्कैनर। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 18th, ए ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज। यानी किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ बिट्स कहलाती है इंस्ट्रक्शन कोड, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर है ए इंस्ट्रक्शन कोड। क्वेश्चन नंबर 19th कहता है द टाइम इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट बिट इज कॉल्ड। तो दो एडजेसेंट बिट के बीच में टाइम इंटरवल कहलाता है बिट टाइम, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर है बी बिट टाइम। क्वेश्चन नंबर 20, MIMD स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर जो दोनों एम है, इन एम का मतलब है मल्टीपल, यानी कि MIMD का पूरा नाम हो गया मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ए, दैट इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहां पर सब्जेक्ट कोड CS 202 के कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए उनके सॉल्यूशन के बारे में जाना। धन्यवाद।